हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो हम करने वाले हैं दो मेंढक की कहानी। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो मेंढक की कहानी। एक समय की बात है कि मेंढकों का एक झुंड जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था। दो बैठक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उस दल के दूसरे मेंढकों ने गड्ढे में देखा और बोले कि इस गड्ढे में इन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है। दो मेंढक हमेशा अपना हौसला बढ़ाते रहे क्योंकि दोनों गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों जितने भी कोशिश करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन जल्दी ही एक मेंढक ने दूसरे मेंढक पर विश्वास करना शुरू किया कि वह कभी भी इस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाएंगे। अतः उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। यही सुनकर दूसरा मेंढक के मन में डर बैठ गया। अब मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँगा? परंतु वही दूसरा मेंढक अपनी कोशिशें जारी रखता है और आखिर में वह एक इतनी लंबी छलांग लगाता है कि वह पूरे गड्ढे को लांग कर बाहर निकल जाता है। इसी के साथ ही वहीं बाहर खड़े होकर सारे जंगल के लोग देखने लगते हैं कि कैसे एक मेंढक लंबी छलांग से बाहर आ जाता है। इन दोनों में यही अंतर था कि जो दूसरा मेंढक था वह बहरा था। उसने पहले मेंढक वह अन्य पूरे समूह के हतों उत्साह नहीं सुना, इसलिए वह हमेशा यह सोचता रहा कि वह बाहर नहीं निकल सकता है। यही उसके बचने का कारण है यही उसके बचने का कारण है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।